शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं तिलकनगर थाना क्षेत्र में एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर लूटपाट की कोशिश की गई है, जहां पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना तिलकनगर थाना क्षेत्र के गीता नगर की है, जहां बीजेपी ऑफिस के नीचे पान की दुकान चलाने वाले बालकृष्ण शर्मा रात 1 बजे दुकान से अपनी एक्टिवा गाड़ी से घर जा रहे थे। तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने पहले तो बालकृष्ण का पीछा किया और उनकी आंखों में मिर्ची डालकर लूटपाट की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और भाग निकले। वहीं घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में तिलकनगर पुलिस ने शिकायत के बाद अज्ञात सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद पुलिस की रात्रि गश्त पर भी कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं। ये बताएं क्या घटना हुई आपके साथ? मैं दुकान बंद करके रात को 11:30 बजे भक्तान नगर से घर की ओर जा रहा था, वंदना नगर। तो रास्ते में 3 लोग पीछे से आए, आंख में मिर्ची डाल दी, एकदम डाल के जोर से मार के आगे निकल गए। थोड़ी दूर जाके खड़े रहे, थोड़ी देर देखा कि गिरे कि नहीं, फिर कोई आ गया तो इधर भग गए तिलकनगर की तरफ। कहाँ की घटना है ये? वक्तारम नगर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं अपने बीजेपी कार्यालय, पान दुकान है मेरी पान की, यहाँ से मैं जा रहा था अवंदा नगर मेन में। नाम क्या आपका? बालकृष्ण शर्मा। आया कैमरे में कुछ दिख रहा है उसमें जो आया? कैमरे में तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कैमरा धुंधला दिख गया, कोई साफ ब्लेंड नहीं दिख रहा।